ओके फ्रेंड्स, तो हमारे सामने विकास जी जुड़ चुके हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कितने बजे आए थे और कितने बजे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, तो और कैसा इनको अंदर का माहौल लगा। 9 बजे स्टार्ट हुआ था, 9 बजे स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में सुबह। माइक्रो क्लोज सुबह 9 बजे एंट्री हुई थी हमारी। अच्छा, और क्या क्या हुआ एंट्री होने के बाद? स्टार्टिंग में बायोमेट्रिक चेक इन्होंने, बायोमेट्रिक में कुछ प्रॉब्लम हुआ? हाँ, बायोमेट्रिक में तीन या चार बच्चे हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं थी। आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ बायोमेट्रिक? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम। और ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको लगा जो सारे बच्चों में कुछ कॉमन था? नहीं, मेन प्रॉब्लम वही आई थी, क्या नाम यार, बायोमेट्रिक में। बायोमेट्रिक में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किया गया? टेंथ की जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर फॉर्म भरते अपलोड कर रखे वो चेक किए। और कैसा लगा आपको अंदर के जो लोग थे वो कैसे थे? या कोऑपरेटिव थे? स्टाफ काफी अच्छा था। आप 10 में से कितना रेट करना चाहेंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सपीरियंस? 9 नंबर 10 में से 9, 1 नंबर कहाँ काट करना चाहेंगे? एक स्टाफ में जो बंदा था ना, वो अप्लाई अच्छी से नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, अब उन्होंने मेडिकल के लिए हमें यहाँ भेजा, क्या नाम है, चांदनी चौक थी कोठी। हाँ, कोठी पुरानी दिल्ली कोठी, पीढ़ी कोठी, यहाँ से जाना जाता है। और जो बच्चे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने वाले, तुमको कुछ सलाह देना चाहेंगे? आई सर, कुछ सलाह? नहीं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट पहले लगाए थे ना, उनको साथ ले गए आए। ठीक, अपने एक ओरिजिनल और एक उनके साथ डुप्लीकेट, 6 या 8 फोटो अपने साथ लेके आए। चलिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।